दोस्तों सच में ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हमने धरती से लेकर आकाश तक का सफर तय कर लिया है। हर चीज में बदलाव, कंपटीशन के इस दौर में आजकल हर चीज में क्रिएटिविटी का तड़का लगा दिया गया है, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर खाना। हर चीज, चाहे कोई फंक्शन हो, शादी हो या रेस्टोरेंट, थीम बेस्ड हो गए हैं। हर चीज को जरा हटके बनाने वाली जरूरत हो गई है। वैसे ही दुनिया भर में अजीबोगरीब रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है। वैसे ही आज आप इस वीडियो में कुछ आश्चर्यचकित थीम पर बनी रेस्टोरेंट को जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में पहला जो रेस्टोरेंट है वो है न्यूड रेस्टोरेंट लंदन। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि रेस्टोरेंट जैसे पब्लिक जगह पर बिना कपड़ों के खाना खाया जाए? बिल्कुल भी नहीं। हमारी सोच में तो ऐसा दूर दूर तक भी नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों सच में एक ऐसा रेस्टोरेंट है लंदन में। ये रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग खाना खाते हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा बुकिंग कराई जाती है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यहाँ पे वेटर, शेफ और पब्लिक सभी न्यूड होकर ही खाना बनाते, सर्व करते और खाते हैं। तो है ना ये हैरानी वाली बात। हमारा दूसरा रेस्टोरेंट है टॉयलेट रेस्टोरेंट ताइवान। हमने अब तक टॉयलेट शीट का यूज केवल वॉशरूम में किया है, लेकिन अगर हमें टॉयलेट शीट में खाना सर्व किया जाए तो जी हाँ, चीन में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जहाँ आपको टेबल चेयर के बजाय टॉयलेट शीट पर खाना खाना पड़ता है। इतना ही नहीं, सारे डिशेज और ड्रिंक्स भी सारे टॉयलेट थीम पर ही बेस्ड है। आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी बड़े बाथरूम में आए हुए हैं। इसी तरह की एक रेस्टोरेंट द मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट जापान में भी है। तो है ना ये हैरान करने वाली बात। हमारा नेक्स्ट रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट इन एयर। ऐसे तो कई बार आपने हवाई जहाज में सफर करते हुए खाना खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी हवा में बैठकर सफर नहीं बल्कि सिर्फ खाना खाया है? जी हाँ, बेल्जियम में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जो हवा में लटकता रहता है। इस रेस्टोरेंट में खाना भी हवा में ही परोसा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ आप बैठते तो नीचे ही है, आपका खाना ऑर्डर भी नीचे ही ले लिया जाता है, फिर आपको एक क्रेन की मदद से ऊंचाई पर लटका दिया जाता है। तो अगर आप भी हवाई खाने का लुफ्त उठाने की सोच रहे हैं तो फिर आपको जाना होगा बेल्जियम। नेक्स्ट रेस्टोरेंट है काया बुकिया तावन जापान। आपने अब तक बंदर को पेड़ों पर या सर्कस में या किसी मदारे के पास कोई खेल दिखाते देखा होगा, लेकिन किसी बंदर को वेटर बनते देखा है? जी हाँ, जापान की राजधानी टोक्यो में एक रेस्टोरेंट है जहाँ लोग वेटर्स को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ वेटर्स कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर है। यहाँ सारा काम बंदर ही करते हैं। तो है ना ये हैरानी वाली बात। सोचो अगर आपको किसी ने ऑफर दिया कि जेल चलोगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि जेल भी कोई जाने की जगह है? जी हाँ, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ये प्रिजन थीम रेस्टोरेंट है तो जी हाँ, प्रिजन थीम रेस्टोरेंट चाइना के तियाजिन शहर में है। इस रेस्टोरेंट का पूरा लुक जेल की तरह ही है। यहाँ सलाखों के पीछे ही खाना परोसा जाता है और स्टाफ कैदी और जेलर के ड्रेस में मेहमान नवाजी करते हैं। आप भी इस रेस्टोरेंट में बिना कोई जुर्म किए लजीज खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक रेस्टोरेंट कैदी किचन के नाम से चेन्नई में भी है। ओपाक्यू कैफे। जरा सोचना, आपको खाने के लिए अगर किसी अंधेरे कमरे में ले जाया जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल, इस प्रकार का एक अजीबोगरीब रेस्टोरेंट वेस्ट हॉलीवुड में है। यहाँ खाना अंधेरे कमरे में सर्व किया जाता है। यहाँ के सभी वेटर्स भी अंधे यानी ब्लाइंड होते हैं। आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट का भी यूज नहीं कर सकते। इसी तरह का एक रेस्टोरेंट हैदराबाद में भी है टेस्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से। 21 फॉरेनहाइट मुंबई। दोस्तों मुंबई में ये रेस्टोरेंट मौजूद है और यहाँ का तापमान है 21 डिग्री फॉरेनहाइट यानी 6 डिग्री सेल्सियस। आपको पता ही है कि मुंबई एक गर्म शहर है, इसलिए गर्मी में ठंडे का अनुभव के लिए इस कैफे को पूरी तरह से बर्फ से बनाया गया है। यहाँ ड्रिंक और ठंडी चीजों को सर्व करने के लिए ग्लास, प्लेट,
सभी बर्फ की ही बनी हुई है। यही नहीं, यहाँ टेबल चेयर्स भी बर्फ की ही बनी हुई है। इसी प्रकार का एक रेस्टोरेंट दुबई में भी है, आइस रेस्टोरेंट के नाम से। यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, तो है ना ये हैरान करने वाली बात। न्यू लकी रेस्टोरेंट भारत। न्यू लकी रेस्टोरेंट भारत के अहमदाबाद में स्थित है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कस्टमर को खाना कब्रों के बीच में परोसा जाता है। इस रेस्टोरेंट को एक पुरानी कब्र के ऊपर बनाया गया है। यहाँ काफी भारी संख्या में लोग बिना किसी डर के खाना खाते हैं। सुबह रेस्टोरेंट के खुलते ही सबसे पहले इन कब्रों की सफाई कर इनके ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं। आप भी ये सुनकर दंग रह गए होंगे। द रोबोट रेस्टोरेंट इंडिया। दोस्तों, आप रोबोट को हर फील्ड में अपना कदम जमा लेते हुए देखे हैं और अब ये रेस्टोरेंट में भी काम आने लगे हैं। यह अनोखा रेस्टोरेंट भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। इस रेस्टोरेंट में खाने के सारे काम रोबोट्स के द्वारा ही कराए जाते हैं। होटल के बाकी वर्कर्स के साथ काम करने के लिए इन्हें मिलकर ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा नेक्स्ट रेस्टोरेंट है कैट कैफे रेस्टोरेंट। जी हाँ, कैट कैफे रेस्टोरेंट ये जापान में काफी मशहूर रेस्टोरेंट है। आमतौर पर सभी प्रसिद्ध देशों में कैट कैफे खुले हुए हैं, तो जापान में भी एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जो काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे अलग अलग नस्ल की खूबसूरत बिल्लियाँ मौजूद है जो कैफे में आए हर एक व्यक्ति का स्वागत अलग अलग तरीके से करती है और उनकी एंटरटेनमेंट का भी माध्यम बनी हुई है। और ये किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाती है, बल्कि यहाँ पे विशेष बात यह है कि ये बिल्लियाँ ग्राहक के साथ साथ खुद भी कॉफी पीती है, तो है ना ये हैरान करने वाली बात। दोस्तों, आपको इन रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी अमेज करें। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।